जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता संदीप सिंह खेल मंत्री ने करी। कष्ट निवारण समिति को कुल 14 शिकायतें मिली, जिसका कि निपटारण व देरी में शिकायत करने पर विभाग के कई अधिकारियों को फटकार तक लगाई गई। वहीं सभी शिकायतों के निपटारण के लिए अगले 15 दिनों का समय विभाग के अधिकारियों को दिया और 15 दिन के भीतर अपनी अपनी रिपोर्ट जमा कराने की बात कही। वहीं उन्होंने बताया कि जिस विभाग की लापरवाही नजर आएगी उन पर गाज भी जरूर गिरेगी। वहीं इस समिति में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ जिला उपायुक्त, जिला पुलिस उपायुक्त, पंचकुला स्वास्थ्य विभाग से CMO व अन्य कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। समिति के समापन पर क्या कहा विधानसभा अध्यक्ष ने, आइए सुनते हैं। जी सर, जिस तरीके से आज कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है, काफी लंबे समय बाद भी हुई है, बीच में कोरोना काल की वजह से भी इस तरह की मीटिंग अलाउड नहीं थी, लेकिन क्या लगता है कि कितनी समस्याएं जो निपटी हैं और इसके बाद आगे कब जल्दी से जल्दी इस तरह की मीटिंग आयोजित की जाएंगी? देखिए, आज जो कष्ट निवारण समिति की बैठक आदरणीय संदीप सिंह जी जो हमारे खेल मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है, क्योंकि बैठक काफ़ी समय के पश्चात हुई है। एजेंडे जो थे वो लोगों को जानकारी भी नहीं थी और जो एजेंडे आए हैं उनके ऊपर गंभीरता से विचार किया है। 14 ऐसे मामले थे जो आए, जिसमें से 5 के ऊपर हमने कहा कि इनकी इंक्वायरी होकर के 15 दिन के अंदर हमने इनको टाइम बाउंड किया है और उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी। और जो ग्रीवेंसेस लोगों के द्वारा दिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं जो सॉल्व होने चाहिए, और अधिकारियों को भी आज इस बैठक के अंदर सचेत किया गया है कि अगर ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग है उसके अंदर आनी चाहिए। कोई किसी प्रकार की ढिलाई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।